खबर देहरादून से। प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ दौरे के बाद उत्तराखंड की राजनीति गर्म हो गई, क्योंकि कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला करना शुरू किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदारनाथ के गर्भगृह से अपनी पूजा पाठ का लाइव प्रसारण करवाया, जो नियम के खिलाफ है और इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। यही नहीं, उन्होंने केदारनाथ से लाइव भाषण भी दिया, जो नियम के खिलाफ है। इसकी वजह से उत्तराखंड वासियों की भावनाओं को ठेस पहुंची, क्योंकि बाबा केदार के मंदिर से कोई भी तस्वीर खिंचाना या फिर वीडियो बनाना प्रतिबंधित है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री और वहां से सीधा लाइव प्रसारण कराया, उससे उत्तराखंड वासियों की भावनाओं को ठेस पहुंची। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने कहा, मैंने भगवान बाबा केदारनाथ से प्रार्थना की है कि हे भगवान, 2013 जैसी आपदा अब हमको मत दिखाना, क्योंकि इंसान गलती का घड़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस गलती को भी वो क्षमा कर दें। हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथियों, प्रदेश की जनता को और स्वयं मुझे कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते और तमाम इसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी शामिल हैं, उनके कार्यकर्ता भी शामिल हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो हैं, अन्य सभी पार्टियों के कार्यकर्ता तो हैं। हम सबको प्रधानमंत्री जी से आज उनके केदारनाथ आगमन पर इस प्रदेश के हित में कुछ बड़े कदमों की अपेक्षा थी, उम्मीद थी, और हमने कुछ दिन पहले ही ये घोषणा की थी कि हम उस दिन राज्य के तमाम शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक करके हम ये भजन गाएंगे कि सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान। का अर्थ ये है कि अगर इस धरती पर सबको सन्मति हो जाए तो इस धरती का प्रत्येक प्राणी धन्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए, और जिसकी हम प्रभु से हमेशा कामना करते हैं कि हमारा जीवन सफल कर, सबका जीवन सफल हो जाए। ये आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी कि हमें अतीत से ये महसूस होता है कि ऐसे लोग जो सरकार में ऊंचे पदों पर बैठे हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करके, लफाजी करके और जुमले तैयार करके, सिर्फ जुमले फेंककर इस प्रदेश में चले जाते हैं, और यथार्थ में हमें जो उम्मीद रहती है, हम उम्मीद उस उम्मीद से खाली हमारे हाथ धरे के धरे रह जाते हैं। साथियों, आज भी बड़े दुख के साथ ये दो बातें कहनी पड़ रही हैं कि पहली बात, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी धार्मिक लक्ष्मण रेखाओं को नांग कर हमारी धार्मिक मान्यताओं को, हमारी धार्मिक आस्था को, हमारी धार्मिक परंपराओं को केदारनाथ के गर्भगृह से अपनी पूजा को लाइव दिखाकर तार तार किया। हमें इसका बहुत दुख है। एक धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति के तौर पर मैं इस बात से आहत हूँ, कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ मंदिर के परिसर से एक राजनीतिक भाषण दिया, जिसके लिए कि जिस स्थान पर हम सिर्फ भगवान शिव को, अपने आराध्य देव को देखना चाहते हैं, वहाँ पर कोई राजनेता अगर अपने राजनीतिक भाषण वहाँ से प्रेषित करे, वहाँ पर राजनीतिक भाषण दे, तो ये स्थान हम इस बात के लिए, इस काम के लिए उचित नहीं मानते। जब मैं बद्रीनाथ केदारनाथ समिति का अध्यक्ष था, तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने। खबर भारतवर्ष के लिए देहरादून उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।